ठोक दिया छक्का छक्का या। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फिर से शाम के टाइम में, क्योंकि रोज मैं शाम के टाइम ही व्लॉग बनाता हूँ। तो फिलहाल तो पानी मांग रहे थे यार बाहर, ये तो एक पानी की बोतल ले लेते हैं बाहर। अब सर्दी का सीजन आ गया है तो पानी कम ही रखेंगे हम फ्रिज में, और फ्रिज का पानी ज़्यादा पियेंगे भी नहीं क्योंकि गला खराब हो सकता है और बुखार भी आ सकता है। भाई आज इसने मुंडन कर दिया है वो कट भी लगाया है न्यू हेयर स्टाइल उससे वाजा काट उससे मेरा मजाक मत है। किस बार के बाद ये दाढ़ी काट देना था कम से कम, अगर फोजी। कर रहा था काटी क्या भाई, दाढ़ी काट देना था, ये मूछे भी सारा क्लियर कर देना था, आईब्रो रखना था बस। यहाँ देख जरा चलो सिर धोने की झंझट से मिल गया आराम, अब सिर नहीं धोना है रोज रोज सुबह। क्या किया कुछ नहीं। तो गाइस काट किया इसने बिल्कुल, क्या टैग बर्नर वाला काट कर आया है। उधर क्यों नहीं कटाया तूने यार दाढ़ी में वाला नहीं बनाया क्यों? ओ यार वहीं पे है फ्रिज के ऊपर है सुई वाला डब्बा, उधरी है सुई। हाँ मेरा दिखा और वीडियो है। क्या वीडियो दिखाओ, दे दे सुई, इसको सीना होगा कुछ। मगर सही क्या, इसने छोटे छोटे बाल कर दिए, छोटे बाल सही रहते हैं सर्दियों के टाइम में, कौन बार बार सिर धोएगा सुबह सुबह आराम से छोटे बाल। कोई कोई तो पूरा ये टिकरी कर देते हैं तो मुंडन, मेरा मतलब मुंडन कर देते हैं तो सर्दियों में दो तीन महीने। तूने काट तो बड़ा सुंदर किया है मगर तुम्हारे टाइम का लग घड़ी खराब है। गाइस ये इसका नाम है गोला नीरज, ये है मेरे चाचा का लड़का, ये हमारा बड़ा अच्छा दोस्त चुम्बा। मत छेड़ यार, फोक गिरा के इधर मोबाइल। बोले किस क्लास में पढ़ता है भाई, हैं ठोक मोबाइल भी छम मोबाइल भी फेंक के चले गया कोई बात नहीं। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी यार 7 बज रहे हैं, तो यार ये गोला आ गया था वहां से, इसका नाम है नीरज, तो ये भी हमारे चाचा का लड़का है। तो ये पढ़ता है अभी किश्तवाड़ में 11th में, आज मैच भी है इंडिया और अफगानिस्तान का, लेकिन दोनों टीमें यार मुझे अच्छी लगती हैं। इंडिया तो अपनी है लेकिन अफगानिस्तान को भी मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है और इतना ज़्यादा उनमें निखार आया है ना क्रिकेट में, कसम से राशिद खान हो गया, मोहम्मद नबी हो गया, लेफ्ट हैंडर बॉलर हो फारूकी हो गया, फारूकी ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी कल, लेकिन क्या करें अब किस्मत ही नहीं थी ठीक, लक बोलते हैं जिसको शायद। लेकिन आज दोनों टीमों को सपोर्ट करूँगा, जो जीतेगी मेरी ओर से वही असली विनर है। क्रिकेट है यार ये, अफगानिस्तान और इंडिया दोनों को वैसे जीतनी चाहिए इंडिया, लेकिन अफगानिस्तान भी अच्छी टक्कर देनी चाहिए इंडिया को, आई हो। तो देखते हैं यार क्या होगा अभी गपी ओए कंबल छोड़ क्या तुझे लगेगी ऐसे शिवा प्लीज मोबाइल देने शिवा प्लीज। अच्छा जी इसका मोबाइल, अरे पकड़ बंदे कैमरा आजा ले ले, ये टॉर्च जल लिए पकड़ो भाई, अरे मोबाइल गिरेगा तू क्या मोबाइल नहीं चलेगा कोले ओए यार ब्लर हो गया गाइस, यार ब्लर हो गया यार आ गया यार। तो गाइज अभी मैच लग गया है 7:30 बज गए, तो अभी पूजा वगैरह करते हैं उसके बाद मैच देखेंगे वैसे इंडिया की बैटिंग के पहले, और
जैसे मैंने बताया यार, ये मैच केवल औपचारिकता मात्र बोल सकते हो आप इसको, तो जो टीम जीतेगी हमारा सपोर्ट दोनों को यार, दोनों टीमों खुश रहो, अच्छे से अपना क्रिकेट को सुधारो और हमको एंटरटेन करते रहो ऐसे ही। और फिलहाल तो पूजा करते हैं, फिर मैच देखते हैं। पूजा तो पूजा तो हो चुकी है यार, चलते हैं मैच देखने। अब भैया पता नहीं कहाँ गया यार, अच्छी लाइट नहीं आती यार शाम को। पाकिस्तान वाले ने धक्का, हाँ सारे लगे हुए हैं देखने को। सिक्स आउट ऑफ द फेंस। तो गाइस यार एक छक्का मारा सूर्य कुमार ने, फिर आउट हो गया वो। वैसे ही वो लेफ्टी बॉलर जिसके साथ लड़ाई हो गई थी आसिफ की, तो वैसे ही रिएक्शन दिया था उस बॉलर ने, लेकिन सूर्य कुमार को पता था यार बॉलर का काम है रिएक्शन देना, क्योंकि सारे बॉलर देते हैं कुछ ना कुछ रिएक्शन विकेट लेने के बाद। तो सूर्य कुमार चुपचाप चले गया, लेकिन आसिफ को कल गुस्सा चढ़ गया था और वो बैट दिखाने लगा, तो इस वजह से शायद एशिया कप के लिए उसे बैन कर दिया गया है, या शायद 2 महीने के लिए बैन किया है, पता नहीं। फिर तो फिलहाल तो मैच देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगा टारगेट। हमें कुछ नहीं चाहिए, विराट कोहली सेंचुरी मारना चाहिए, फिर इंडिया हारे या जीते, लेकिन विराट कोहली की सेंचुरी आनी चाहिए, क्योंकि 62 पे खेल रहा है वो और 7 ओवर बाकी है अभी। तो देखते हैं मैच, अभी पानी पियेंगे पहले। कोहली मारेगा, वाह निकाल दिया 4 रन के लिए। ये होता है ना बैट्समैन 73 पे पहुंच गया, गेप तो निकाल सकते हैं ना। रिशभ मोटा हो गया बिल्कुल, प्रोटीन के ऐड कर करके शायद कुछ भी प्रोटीन चमचा चमचा खाता होगा। इसको कुमार ही नहीं बनता है अपना शरीर आज के लिए, अगर ऐसे ही रहा तो वर्ल्ड कप में इसे बाहर कर देंगे। कीपिंग में भी सुस्ती करेगा बाद में मोटापे की वजह से, कीपिंग अच्छी करता है फिलहाल तो ठीक ही, कीपिंग की वजह से ही है ना अंदर अभी, कीपिंग की वजह से ही अंदर है। ये हुआ ना कोहली शॉट, 2 में 2 ठोक दिए, सेंचुरी मारना चाहिए आज। तो यार बेचारा रोहित शर्मा ये भी खारिज कर रहे हैं सर, आराम से 2-2 लिए, बड़ा तेज है कोहली, 15 रन दूर शतक से बना लेगा यार, कितने साल के बाद आएगी सेंचुरी इसकी फिर। मगर मारता गैप में K20 में अभी तक एक सेंचुरी नहीं है, जंगली लेगा सही है। शबाश 90 पे पहुंच गया, ठोक दिया छक्का छक्का, शॉट शतक, ओए भाई शतक शतक। क्या खेला है, 2 साल के बाद शतक, कितना खुश, 2 साल के बाद शतक, क्या है बाबर आजम इसके सामने, कोई प्लेयर नहीं इसके सामने। बोलते हैं बाबर आजम को कंपेयर करते हैं इससे, वो कहीं खाते में नहीं है यार, कोहली नहीं छोड़ेगा। वो देख सिर्फ ऐसे ही शुभम शॉट इन जैम 86, बड़ा खिलाड़ी आखिरकार 100 पार। अभी दिखाएंगे आखिरकार विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी है हर न्यूज। तो आज अफगानिस्तान तो हार चुकी है लगभग, आज 2-2 रिकॉर्ड बने, एक तो विराट कोहली ने शतक मारा और दूसरा भुवनेश्वर कुमार ने 4 रन दे के 5 विकेट लिए अपने पूरे स्पेल में। अच्छी कप्तानी किया राहुल द्वारा, जबरदस्त जीत गई इंडिया। तो फाइनली गाइस मैच हो चुका है ख़त्म और इंडिया जीत चुकी है मैच, तो उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है यार, अफगानिस्तान भी अच्छी टीम है और अफगानिस्तान को भी अपना पूरा सपोर्ट है यार, अच्छे से क्रिकेट खेलो। तो फिलहाल तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कोहली की सेंचुरी आ गई है इतना टाइम बाद गाइस, मुझे लगता है पूरे 3 साल हो गए शायद उसकी सेंचुरी हो। तो गाइज कोहली की सेंचुरी के लिए लाइक ज़रूर हो जाएगी गाइज, कोहली की सेंचुरी तो इतनी टाइम बाद आई, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई उसकी सेंचुरी देख के। तो फिलहाल तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको कोहली की सेंचुरी अच्छी लगी होगी और व्लॉग भी अच्छा लगा होगा तो
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा एंड बाय।